मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो कि कुकिंग स्टोरी है, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा मुहिम शुरू किया है। आंबे ने एक स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, और उसकी जरूरत इस वजह से थी बिकॉज हमारे न्यूट्रिशन जो हमारे खाने के माध्यम से हम अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते थे, वो हमने अपने कुकिंग टेक्निक के द्वारा उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो इसके लिए किस तरीके से आप अपने खाने के न्यूट्रिशन को एक बर्तन के माध्यम से बचा सकते हैं, बिकॉज खाना, सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी चीजें आपके और मेरे हाथ में नहीं है, राइट? डेफिनेटली यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के पेरिफेरल में पानीपत, सोनीपत साइड जहाँ पे फार्मिंग होती है, वहां से वेजिटेबल आपके यहाँ पर आती होगी, एंड उसके बाद वो गाजियाबाद मंडी या दिल्ली मंडी में आती होगी, देन आपके घर में आती होगी। तो एक ट्रैवल टाइम है 3 से 4 दिन का, जिसके बाद आपके घर पे वो सब्जी आती है। यदि आप यही आप उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के भी आसपास की पेरिफेरल यानी कि लखनऊ के आसपास की मंडियों में जब सब्जी आती है आपके घर तक आते हैं तो 3 से 4 दिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जी की फ्रेशनेस तो ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाती है, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो बचे होते हैं और उसे हम खत्म करते हैं अपने कुकिंग टेक्निक के माध्यम से। और वो कुकिंग टेक्निक क्या है? ज्यादा देर तक खाने को गलाना, गला हुआ खाना खाना, राइट? ओवर हीटिंग करना खाने को, राइट? और ज्यादा तेल का इस्तेमाल करना, क्योंकि यदि मैं समझूं, और आप सभी भी जानते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं है कि एक्सेस ऑफ ऑयल जब हमारी कुकिंग में ऐड हो जाता है तो वो हमारे खाने में टेस्ट तो मैं नहीं समझता कि वो टेस्ट डालता है, बट डेफिनेटली हमारे न्यूट्रिशंस को बहुत हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो इसी के लिए आंबे क्वीन आपकी मदद करता है आपके खाने के न्यूट्रिशंस को इंटैक्ट रखने के लिए, और उसके लिए एक वर्सेटाइल सेट हम आपके बीच में लेकर आए, 5-पीस सेट है, और ये आपको 3 अलग अलग पॉट्स के साइज में मिलता है, विच इज 2 लीटर सॉस पैन, 4 लीटर स्टॉक पॉट एंड 1.5 लीटर सौते पैन। ये कॉमन लिड के साथ ये प्रोडक्ट आपको मिलता है, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपनी किचन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अपने खाने के, उसे आप इंटैक्ट कर सकते हैं। वेरी क्विकली खाने के न्यूट्रिएंट्स खराब कैसे होते हैं उसके बारे में छोटा सा हाईलाइट है आपके सामने, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोग क्वीन यूजर्स भी हैं, और आई पर्सनली बिलीव आपने ये सब चीजें सुनी भी हुई हैं, बट ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, आप अपने किसी कस्टमर से बात करते हैं, क्योंकि कस्टमर हमेशा ये जानना चाहता है व्हाई मैं ये प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। तो यदि डायरेक्टली जाके आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने स्टार्ट कर देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि बीइंग अ इंडिविजुअल बायर कि वो ये समझा कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास है, जब तक आप उसको नीड आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे। तो नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए कुकिंग पैटर्न में आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ऑयल और वाटर, जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी कुकिंग में, उसके किस तरीके के हमारे हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। यानी कि ज्यादा तेल का इस्तेमाल हम तभी करते हैं ताकि हमारे पैन पे कोई भी चीज चिपके ना, और उसके लिए उसका सबसे बड़ा कारण हमारा पैन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट का पैटर्न है, राइट? अक्सर हम ये सोचते हैं कि पैन हमने बाजार से ले लिया, राइट, उसके नीचे एक लेयर चिपकी होती है और हम समझते हैं कि ये इसकी वजह से हम अपने खाने को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हमारी हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। द आंसर इज नो, इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जो टेम्परेचर आपके बेस में है वही टेम्परेचर आपकी वॉल्स पे भी होना जरूरी है। साथ ही साथ जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है वॉटर का, और वाटर से पहले जो इम्पैक्ट होता है वो होता है पानी डालना सब्जियों में बुरी चीज नहीं है, राइट? बट पानी डालने के पहले, राइट, सब्जियों को ओवरकुक करना और उसके बाद पानी डालने के बाद भी उसको हाई हीट पे कुकिंग करने की सबसे बड़ा कारण है। हम सभी क्या करते हैं, हम सभी अपने खाने को जल्दी बनाने के लिए 70% अपने टाइम खाने को हाई फ्लेम पे बनाते हैं, और जिसकी वजह से जितने भी वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्टीम एंड, तो ये जो डिस्ट्रॉयड न्यूट्रिएंट्स हैं इसे मेंटेन करने के लिए, इसे बचाने के लिए एम्बे क्वीन आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा यूटेंसिल जो कि आपके खाने के पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आपके न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट करने के लिए इसकी कुछ ऐसी यूएसपीज हैं जो आपको हेल्प करती है बेटर डिसीजन लेने के लिए। पहला जो इसकी हम बात करते हैं, तो ये प्रोडक्ट 18x8 स्टेनलेस स्टील से बना है। पहला जो आप प्रोडक्ट बात करते हैं तो ये 18x8 स्टेनलेस स्टील से बना है, आप नोट कर लीजिए 18x8 का मतलब होता है 18% क्रोमियम, 8% निकल एंड रेस्ट इज आयरन,
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 18% क्रोमियम, 8% निकल एंड रेस्ट इज आयरन। अब ये जो 18/8 है राइट, अक्सर हमारी पिच में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है जहां पे हम कहते हैं कि 18/10 है या ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला है। आपका क्लाइंट आपसे बहुत ज्यादा कह सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। आपकी एक बात आपकी पिच को, आपकी सेल्स पिच को एक थॉट में लाने मजबूर कर सकते हैं कि जो आपने पहली सारी बातें बताई है क्या वो भी सच है कि नहीं है। तो जब आप अपने किसी भी कस्टमर से बात करें या फिर आप अपने फैमिली मेंबर को ही क्यों ना बता रहे हो, तो प्रोडक्ट की बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताइए। और इसमें मैं यही बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा कि इसका जो यूटेंसिल का मटेरियल है वो 18/8 है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है 18/10 ग्रेड का राइट। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सबसे बड़ी बात है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप बात करें तो डॉक्टर्स उसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो नॉन क्रोजिव होता है राइट। सेम प्रॉपर्टीज 18/8 की भी है राइट। सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आप उसको इतनी मात्रा में इस्तेमाल करें तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। बट यदि हम प्रॉपर्टीज वाइज बात करें तो 18/8 और 18/10 की प्रॉपर्टीज मैक्सिमम सेम होती है राइट। तो जब आप अपना खाना 18/8 स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं तो इससे आपको एक चीज का बेनिफिट है कि आपका खाने में आपका बर्तन का मटेरियल लीच आउट नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट क्या, लीच आउट का मतलब क्या होता है कि आपके खाने में आप जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं तो एल्यूमिनियम मिक्स हो जाता है खाने में, बट यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील मिल रहा है तो मिक्स नहीं होगा। साथ ही साथ एमवे आपको इस बर्तन की 30 साल की वारंटी दे रहा है। तो यानी कि आप सोच के देखिए कभी किसी बर्तन की 30 साल की वारंटी हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि हमने मोबाइल खरीदा उसमें हम 1 साल की वारंटी लेते हैं और उसके बाद पैसा देते हैं 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी करवाने के लिए। 10 लाख की गाड़ी लेने पर भी 2 साल की वारंटी मिलती है और यहाँ पे आपके परिवार की गुड हेल्थ के लिए एक चीज मिल रही है जिसमें आपको 30 साल की वारंटी मिल रही है। तो डिसीजन लेना मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसीलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और समझेंगे कि इसको स्टेनलेस स्टील को बेहतर बनाने के लिए एमवे ने क्या किया है। स्टेनलेस स्टील एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एज इट इज। बाजार से लाकर कभी स्टेनलेस स्टील का बर्तन में खाना बना के देखिएगा, उसमें आपका बगैर तेल का खाना नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आपका खाना नीचे लगना शुरू हो जाएगा चाहे आप जितने मर्जी प्रयास कर लीजिए। बट एमवे ने यहाँ पे 18/8 स्टेनलेस स्टील को लेयर्स के तौर पर डिवाइड करके आपके बर्तन को ज्यादा देर तक हीट रिटेन बनाने के लिए कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया गया 3 प्लाई में, एल्यूमिनियम और स्टील लेयर का इस्तेमाल किया गया 5 प्लाई में, जिसके माध्यम से आपका खाना एक तो यहाँ पर जल्दी बनता है जो कि बाजार में मिलने वाले बर्तनों में एक तो पहला चीज आप बगैर तेल का खाना बना नहीं सकते क्योंकि उनके नीचे एक लेयर चिपकी होती है। आपने यूटेंसिल यदि बाजार से कोई स्टेनलेस स्टील का बर्तन खरीदा है तो उसमें आपने देखा होगा नीचे एक डिस्क की तरह एक मैं कह सकता हूँ कॉपर कलर की डिस्क की तरह एक चीज चिपकी होती है यूटेंसिल में, और थोड़े समय बाद उसके साइडों पर क्रोजन होना शुरू हो जाता है। यदि आप नेट पे पढ़े, आज हम सभी इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी नॉलेज को बहुत इनहेंस कर रहे हैं, आप यदि इंटरनेट के माध्यम से पढ़े तो क्या स्टेनलेस स्टील में जंग लगने की पॉसिबिलिटी है? द आंसर इज उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। स्टेनलेस स्टील यदि प्योर है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसमें क्रोजन होगी। Then how is it possible कि बाजार से मिलने वाले बर्तनों में जंग लगता है? Which means कि थोड़ी सी वहां पर आपको एक सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, राइट? तो इन सब चीजों के माध्यम से हमने एक और चीज का जब ही हमने मल्टी लेयर किया इसे तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट निकल के आया कि यहाँ पे आप एमवे क्वीन के जरिए जीरो ऑयल कुकिंग करने के लिए पॉसिबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी है। ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत सिंपल है, ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर आपके बेस में है वही आपकी वॉल्स में है क्वीन के, उसी में ही आपका खाना बन रहा है और यहाँ पे खाना पकता है, गलता नहीं है, राइट? तो पका हुआ खाना हमें खाना चाहिए। दूसरा बेनिफिट है यहाँ पे वाइटालॉक टेक्नोलॉजी का। वाइटालॉक का मतलब होता है वाइटामिन्स लॉक, यानी कि आपके खाने में जो भी वाइटामिन्स हैं, जो भी आपके सब्जियों के अंदर न्यूट्रिशंस हैं, वो जूस जब रिलीज करते हैं, जब आप उसे हीट करते हैं तो उसमें से जूस निकलता है। प्याज है, प्याज को यदि आपने जब प्याज को आप बारीक काट लेते हैं या फिर प्याज का मसाला बना लेते हैं तो प्याज का एकदम से जूस आ जाता है, राइट?
आपने कभी गोभी को, जब आप सुबह ब्रेकफास्ट में परौंठी बनाते हैं गोभी की, तो जब आप उसे घियाकस करते हैं तो, या फिर कैरेट है उसको जब आप घियाकस करते हैं तो आप उसको उसके बाद स्क्वीज करते हैं ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लें, राइट? तो ये जूसेस ही हैं आपके वेजिटेबल्स में, और वो जूसेस ही हैं जिसकी वजह से आपके सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। तो इसी इन्हीं जूसेस में आपका खाना पकता है और उन्हीं खाने को आपको खाना चाहिए। तो वाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी उसका काम करती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको फटाफट से शेफ की किचन में लेके जाना चाहूंगा, जहां पे आज ये एक जबरदस्त डेमो हो रहा है और जो आज हमारे साथ ये बहुत ही जबरदस्त डेमो करेंगे, जिसके साथ वो हमें एक हेल्दी कुकिंग के बारे में बताएंगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू कॉल आवर शेफ ध्रुव, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, एंड आई गेस वो हमसे डिसकनेक्टेड हो चुके हैं, बट एक मिनट में हम उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो आई गेस कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे साथ ध्रुव का कनेक्शन ब्रेक हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक मिनट पे उन्हें दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, यदि अभी तक आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं, एंड देन वील बाय द टाइम वी कनेक्ट ध्रुव विद अस। तो यस, सो यस, ध्रुव हमारे साथ वापस से कनेक्ट कर रहे हैं। बाय द टाइम मैं आप सभी के सवाल के जवाब यहाँ पे देना पसंद करूंगा। ओके, सो संतोष मैम का जो सवाल है कि व्हाट इज मीडियम मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ इंडक्शन। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है। यस परफेक्ट। सो संतोष मैम, एक बार शेफ आपके कनेक्ट होंगे तो आपको डेमो करते हुए बताएंगे कि आप मीडियम लो हाइट किस हाई तरीके का क्या है, इंडक्शन में कितना कितना नंबर होता है। सो राजेंद्र जी, यहाँ पे जो आपका सवाल आता है कि लो फ्लेम पे टाइम ज्यादा लगता है, इसका बेस्ट रिप्लाई क्या दे सकते हैं? सो ये एक थॉट प्रोसेस है। यदि आप लो फ्लेम को समझ रहे हैं कि यहाँ पे लो फ्लेम का मतलब होता है कि आपका खाना ज्यादा समय लेगा, तो उस समय होता क्या है कि आपका खाना यहाँ कम समय लेता है, क्योंकि आपका बर्तन एक प्लाई वाला नहीं है, आपके बर्तन 3 प्लाई 5 प्लाई 11 प्लाई वाला है, जिसकी वजह से आपका यूटेंसिल जल्दी गर्म होता है और ज्यादा देर तक हीट होकर रखता है। आप तो ये जानकर आपको बहुत अचंभव होगा कि आपको अपना खाना 70% ही कुक करना है, बाकी देर आप गैस बंद कर दीजिए, बाकी का 30% खाना आपका बंद गैस में ही पक जाएगा, क्योंकि आपका बर्तन ज्यादा देर तक हीट रिटेन करके रख रहा है। तो
ज्यादा टाइम नहीं लगता, जितना टाइम आपके नॉर्मली खानों में लगता है उतना ही समय आपका इस यूटेंसिल में लगता है। हाँ जरूरी है, क्योंकि अभी हम आज के टाइम में ऑयल को जब आप रिप्लेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी सब्जी या मसाला जो भी पक रहा है वो अपने न्यूट्री अपने जूस में या फिर अपने ऑयल में बनता है, तो थोड़ा सा समय का अंतर होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता कि उसके लिए हमें सोचना पड़े कि हम ये यूटेंसिल के बारे में ना ही सोचें। राइट ओके, सो नेक्स्ट सवाल आता है कि भिंडी की सब्जी बनाने के लिए शेफ आज आपको डेफिनेटली बताएंगे कि भिंडी की सब्जी आप किस तरीके से बचा सकते हैं, एंड प्राइसिंग के बारे में हम आपको डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे कि प्राइसिंग के बारे में आप किस तरीके से अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। बट लेट मी चेक कि यदि ध्रुव हमारे साथ करेक्ट हो गए हैं तो हम डेमो के माध्यम से अपने प्रोग्राम को एक बार आगे बढ़ाएं और उसके बाद हम प्राइसिंग की बात साथ साथ करते रहेंगे। सो ध्रुव आई वॉन्ट यू टू अनम्यूट योर सेल्फ, आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। और हाय सर। हाय, सो हमारे साथ ऑडियंस हमारी वेट है, आप पार्टिसिपेट। सो अब आप अपना डेमो स्टार्ट कर दीजिए ध्रुव। यस सो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम शेफ ध्रुव कुमार। सो आज हम यूपी का बहुत ही दो चीजें हम बनाने जा रहे हैं, एक तो गुड़ की बनी हुई खीर हम बनाएंगे। तो पहले हम एक आलू जो हम लोग रसीलेदार जो बनाते हैं हम लोग घर पे उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा मैं। तो यहाँ पे हम इसको मीडियम हीट तक वो करेंगे इसको हीट। तो जब तक ये पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा और इसमें हम डालेंगे एक आधा छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा और थोड़ी सौंफ, आधा छोटा चम्मच तो इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। नहीं हो रहा यार, नहीं ये इंडक्शन। सो आई गेस ध्रुव के एंड से कुछ चैलेंज है, हम एक बार फिर से ध्रुव से कनेक्ट करते हैं। जस्ट गिव अस वन मिनट। सो बाय दैट टाइम ध्रुव ने यहाँ पर कुछ चैलेंज हुआ है, टेक्निकल ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से ध्रुव के साथ हम अभी कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट कुछ सवालों के जवाब हम पहले एक बार देना सही समझेंगे, उसके बाद ध्रुव डेमो अपना स्टार्ट करेंगे। सो ध्रुव एक क्वेश्चन रहता है हमेशा जो अभी मैं सबसे कॉमन क्वेश्चन आया है यहाँ पर। हाँ जी सर। राजमा यदि हमें बॉइल करने हो, राजमा और छोले यदि प्रॉपर बॉइल करने हो तो
आइडिया जो आप हमारे जो भी आज पार्टिसिपेंट हैं उनको एक बार बताना चाहेंगे आप? ओके, सो आई गेस राजमा काफी आई गेस चैलेंज आ जाता है, और छोले तो हमारे ऑलमोस्ट 50-60% ऑलमोस्ट सोकिंग टाइम में ऑलमोस्ट कुक हो जाते हैं। एंड राजमा जैसे हमने कल ही एक सेशन में बनाया था हमने, तो आई गेस बहुत ही बढ़िया बना था पंजाब के सेशन के लिए। तो जिसमें से एक्चुअली उसमें टाइम आपको जो बॉइलिंग टाइम लगता है राजमा में ऑलमोस्ट एक 30-35 मिनट, बट उसको आपको क्या करना है, सोकिंग के टाइम पे एक आधा एक छोटा चम्मच ना एक वो डाल देना है नमक, जिससे क्या है कि सोकिंग टाइम में ही आपकी जो कुकिंग जो है वो आपका ग्रेन हल्का सा सॉफ्ट करना ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। तो नमक सॉल्ट आपका इस चीज में काफी मेजर रोल प्ले करता है कि राजमा को हल्का सा सॉफ्ट कर देता है, एंड इवन जो सीड होता है हार्ड सीड उसको हल्का सॉफ्ट कर देगा। एंड जो आपका जो राजमा का, तो सबसे पहले आप राजमा को बॉईल कर रहे हैं तो मतलब कि आप अपना ऐसा कर सकते हैं राजमा को गर्म करते हुए आपको पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। अगर आपने दो बॉल अगर आपने राजमा भिगो के तो उसकी डबल द क्वांटिटी हो जाती है। सो जितने आपके राजमा हो उसके जस्ट ऊपर एक हल्का सा पानी का लेयर हो, उससे ज्यादा ना हो, आधा नहीं भरना। तो जिससे क्या है कि जो स्टीमिंग प्रोसेस है वो आपका अनइवनली आपकी स्टीमिंग ज्यादा बनती रहेगी पानी के ज्यादा लेवल की वजह से, जिससे कि आपकी कुकिंग अनइवन होती रहेगी। तो यहाँ पे वाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑप्टी टेम्परेचर टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी जो कुकिंग है वो बहुत ही इवनली होती है, एंड जिसकी वजह से अपने ही उन जूसेस में अपना पानी कम से कम वाइटल ऑफ जो विटामिन जैसे लॉक करते हैं, जैसे प्रोटीन हो या और भी कोई विटामिन है, तो वो एकदम ऐसे लॉक कर देती है आपके आपके लो हीट पे। तो मीडियम हीट से आप कंसिडर करें, जब आपका बॉइलिंग टेम्परेचर एक बार स्टार्ट हो जाए पानी बॉइल हो जाए और टेम्परेचर आप लो पे कर देना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपका फ्लैटर जो होता है रेट वो कम हो और आपका जो राजमा है वो जल्द से जल्दी कुक हो जाता है 30-35 मिनट। थैंक यू ध्रुव। और अगला सवाल आपके लिए ये है कि राजमा के बाद यदि भिंडी बनानी हो हमें एमवे क्वीन में, तो भिंडी बनाने का क्या प्रोसेस आप सजेस्ट करते हैं? तो भिंडी का यूजली बहुत ही आसान प्रोसीजर है। अगर हम लोग कहते हैं कि अब हम जीरो ऑयल कुकिंग करें तो पानी का इस्तेमाल करेंगे तो भिंडी में वो आ जाएंगे लेसेस, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे जीरा या हल्का सा हींग डाल के उसको हल्का सा रोस्ट करो सबसे पहले पैन में, एंड रोस्ट करने के बाद प्याज का इस्तेमाल करिए, लच्छा प्याज या स्लाइस अनियन या चॉप अनियन, एंड उन प्याज को कुक करने के लिए हमें 2-3 चम्मच पानी डालना पड़ेगा जिससे स्टीमिंग प्रोसेस स्टार्ट हो और प्याज अपना पानी मॉइस्चर जो है वो रिलीज करे, जिससे कि जो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और प्याज का जो मॉइस्चर जो रिलीज होता है वो एक पूरा एक कोटिंग ले लेते हैं साथ में। और जीरा जब आप रोस्ट करते हैं सो हम लोग आराम से कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई गेस सर वी कैन स्टार्ट द डेमो नाउ। ओके ब्रो परफेक्ट, आप डेमो स्टार्ट कीजिए और उसके बाद फिर हम साथ साथ बात करते रहेंगे आपसे। श्योर जी ध्रुव, थैंक यू सो मच। सो आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच ध्रुव जी। परफेक्ट ध्रुव, एंगल बिल्कुल ठीक है, अब आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके सो आई विल बी वेरी क्विक, जितना जल्दी मैं थोड़ा डेमो पे ज्यादा फोकस करूंगा आज बिकॉज आई डोंट नो लाइट काफी आज जाए आ जा रही है, तो इसलिए मैं चाहूंगा आप करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा जो छोटा सा सवाल था कि हमारा एक क्वेश्चन भी था जी, ध्रुव एक बार आप फिर से कनेक्ट कर लीजिए, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे, आपकी वीडियो हैंग हो चुकी है।
यस परफेक्ट, आप अपना डेमो शुरू कर दीजिए जी और अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सो यहाँ पे रोस्ट हो गया है सौंफ और साबुत जीरा। अब मैं यहाँ पे बिकॉज बिना प्याज और बिना लहसुन के बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे चॉप किया हुआ। और जैसे कि इसको हम एकदम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। तो यहाँ मैं 3 से 4 टमाटर यूज कर रहा हूँ बारीक कटा हुआ। तो इसको मैंने अभी मीडियम हीट पे रखा हुआ है अराउंड 900-1000 के उसपे, जिससे कुक हो जाए बढ़िया। तो इसको हम कवर कर देंगे ढक्कन से और कुक होने देंगे अंटिल अपने अपनी जूसेस में टमाटर कुक होगा। एंड सो जैसे कि अपने जूसेस में कुक होगा टमाटर ड्यू टू ऑप्टी टेम्परेचर, जो आपके पैन में जो हमारे इवन लेयरिंग की वजह से जो ऑप्टी टेम्परेचर टेक्नोलॉजी का जो यूज किया गया है वो बहुत ही खास है इसमें, जिसमें आप काफी अपनी गैस को सेव करते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज आपका जैसे फर्स्ट प्लेटर जैसे आपका पैन जैसे गर्म हो जाएगा, ये इंडिकेशन दे देता है कि आपका पैन आपका गर्म है, इसको प्लीज वो कहता है कि आप इसको लो हीट पे कुकिंग करें। सो बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन लिड है इसका पैन का भी, जो आपको इंडिकेशन दे देता है कि लो हीट पे कब आपको ट्रांसफर करनी है अपनी हीट को कम। सो एंड वेल डिजाइन इसकी लिड है, आप जैसे देखेंगे कैसे एकदम ये फ्लैटर होना स्टार्ट हो गया है ये। और तो आप देखेंगे अब मैं अगर इसको मीडियम हीट में कंटिन्यूस कुकिंग करता रहूंगा तो ये फ्लैटर ही करता रहेगा, और एक्सेस जो मॉइस्चर है जूस जो टमाटर का न्यूट्रिशन वो ऑलमोस्ट आपके दूर हो जाएंगे स्टीम में। तो यहाँ पे मैंने इसको लो हीट पे कर दिया है। तो अब क्या होगा कि ये फ्लैटर होगा, देन ये बीच में खुद अपना जैसे स्टॉप हो जाएगा, ये जैसे आप देखेंगे। तो अब ये दोबारा एक बार फ्लैटर होगा, टमाटर का जब आपका ऑलमोस्ट 70-60% जब मॉइस्चर ड्राई हो जाता है तो तब हम इसमें मसाले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहे तो हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा, बट मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रहा। और यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्च ली हुई है 2 से 3 कटी स्प्लिट की हुई, ये हम इसमें डाल देंगे तो बढ़िया सा फ्लेवर देगा, काफी मॉइस्चर है इसमें अभी। तो यहाँ पे पहली मैंने आलू को बॉईल करके रख दिया था, जो मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं और जिसको मैंने मैश करके रख दिए हैं, और जो कुकिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट आपका 25-30 मिनट्स लग जाता है। और आप आलू जैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं था, ऑलमोस्ट मीडियम साइज का आलू था जो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में कुक हो गया था। अगर आप उसे चाहते हैं कि आपका जल्दी कुक हो तो आप उसके 1:2 करके पीस करके आपके 10-15 मिनट में आलू बॉईल हो जाते हैं, बट मेक श्योर कि टेम्परेचर आपका जो होना चाहिए वो आपका मीडियम से स्टार्ट होना है और लो पे आपकी एंड होना है कुकिंग। तो अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट मॉइस्चर ऑलमोस्ट हमारा इतना हो गया कि अब हम इसमें थोड़ा वो डालेंगे। ये आप देखेंगे हल्की सी रोस्टिंग लेयर आनी स्टार्ट होती है, ये आप देखेंगे। तो यही आपके मसाले को भूनता है और जो आपको भुना हुआ फ्लेवर देता है, इवन प्याज के साथ भी ऐसी एक लेयरिंग आती है। तो बहुत ही अच्छा खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है अदरक और ये अदरक की और हरी मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे जब मॉइस्चर बेस हम कुकिंग करते हैं पानी बेस, तो आपका जो टेम्परेचर सॉरी जो मसाले हैं उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
तो बहुत कम से कम डालेंगे मसाले यहाँ पर, क्वार्टर टी स्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो जैसे कि पानी आपके कभी भी मसालों को कुक नहीं कर सकता, बैलेंस कर सकता है, तो उसके लिए हमें मसालों को सर सबके साथ बैलेंस करना है हमें, और जस्ट अ क्वार्टर टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हमने जैसे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया तो काफी स्पाइस रहेगा इसमें, तो आप रेड चिली कम ही इस्तेमाल करें, बिकॉज हमारी जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमारे खानों में से मसालों मसालों का ही स्वाद आता है। जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, यहाँ पे हम थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच हम किचन किंग मसाला या सब्जी मसाला डाल सकते हैं, किचन किंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं किचन किंग यूज किया है मसाला, और आधा एक छोटा चम्मच साबुत जीरा पाउडर। तो इसे हम मिक्स करेंगे बढ़िया सा, और ये आप देखिए बहुत ही बढ़िया रोस्टिंग लेयर आनी स्टार्ट हो गई है नीचे। पहले तो हम देखेंगे कि कैसे आप कोटिंग को बढ़िया सा, जितना ही मॉइस्चर है उसको बढ़िया सा कोटिंग कर ले। पैन आप देखेंगे एकदम ही क्लीन है। बहुत ही बढ़िया हो गया है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा मसालों को कुक करेंगे, एंड देन इसमें मसालों को कुक करने के बाद जिससे कि हल्का सा रोस्ट हो जाए, एंड इसमें थोड़ा पानी डाल के आलू को मिक्स करेंगे, और बहुत ही हमारी झटपट आलू रसेदार की सब्जी रेडी हो जाती है। एंड आप इसमें देखेंगे काफी हम लोग गैस सेव करते हैं, बिकॉज आपकी मोस्ट ऑफ द कुकिंग आपकी लो कुकिंग लो हीटिंग में चलती रहती है, और आप ये देखेंगे कि कैसे आपका हेल्दी खाना विदाउट एनी केमिकल लीच आउट की वजह से आपका खाना बहुत जल्दी और हेल्दी बनता है एमवे क्वीन में। तो ये आप देखेंगे कि हल्की सी रोस्टिंग लेयर आनी, बहुत ही बढ़िया रोस्टिंग लेयर आई है आप देखेंगे। तो इसे ज्यादा काला ना करें, इसे ज्यादा काला करेंगे तो खाना बढ़िया नहीं बनेगा आपका, वो तो जलने का फ्लेवर। सो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि एक सेमी थिक ग्रेवी की तरह दिखे एकदम, और आलू जो है वो बढ़िया कोटिंग ले लेंगे मसालों का, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, बिकॉज रूम नॉर्मल पानी है तो हीट करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसका। तो बहुत ही बढ़िया आप देखेंगे कैसे कलर आ गया है, एंड कैसे टमाटर एकदम भुन गया है मसाले के साथ। और अब हम वेट करेंगे सिर्फ इसका एक हल्का सा एक फर्स्ट फ्लैटर आने के लिए, और फर्स्ट फ्लैटर आने के बाद फिर हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है और मैश कर दिया है इधर। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, तो यहाँ प्लेटर आना स्टार्ट हो गया है। और इसमें हम डालेंगे आलू, आलू आप मैश भी कर सकते हैं या क्यूब्स काटे जाते हैं क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेशली थोड़ा बनाया है बिकॉज काफी पंडित लोग होते हैं जो मतलब प्याज और लहसुन का नहीं इस्तेमाल करते हैं, और आलू आई गेस ऐसी चीज है कि हमारे मोस्ट ऑफ द रिलीजियस एंड द
कल्चर में काफी आलू बनता ही बनता है, जब भंडारा हो या कुछ फंक्शन हो या जन्माष्टमी हो, तो ये एक आलू की डिश बनती बनती है। यहाँ पे हम थोड़ा आलू कुक होने देंगे ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट, एंड देन उसके बाद हम इसको थोड़ा गार्निश करेंगे, मतलब धनिया से एंड थोड़ा नमक डाल के। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे नमक इसलिए नहीं डाला, बिकॉज नमक इसलिए बिकॉज जो मॉइस्चर है, चाहे वो टमाटर का मॉइस्चर हो, जूस हो उसका नेचुरल, एंड जितने भी न्यूट्रिशनल इंटैक्ट है टमाटर के, विटामिन, वो लूज कर देता है। तो बेसिकली नमक क्या करता है, आपको प्याज को भी जल्दी गलाता है, जब हम प्याज में भी जब कुकिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्याज के सारे न्यूट्रिशनल लॉस हो जाते हैं। एंड अगर हम पैन की बात करें, पैन हमारी जो यहाँ पे अपनी टेम्परेचर और वाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हर एक अपने न्यूट्रिशनल को लॉक करके रखता है, और जिससे कि आपकी जो एक्सेस जो आपका जो मॉइस्चर बनता है वो आपके, मैं अभी दिखाऊंगा जैसे फ्लाटर करेगा, तो एक्सेस मॉइस्चर क्या होता है आपके लिड के ऊपर आपके कलेक्ट हो जाता है, जितना भी मॉइस्चर होता है वो लॉक कर देता है। सो जो एक्सेस जो हीटनेस की स्टीम है वो हल्का सा, जैसे आप देखेंगे फ्लैटर ऐसे होगा और जैसे एक्सेस स्टीम निकलेगी, और बाकी जो मॉइस्चर होगा वो यहाँ पे लॉक हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी मैं ढक्कन उठाता हूँ तो मैं यही पानी इस्तेमाल करता हूँ कि जो जूसेस है वो ज्यादा से ज्यादा लॉक रहे। ओके, तो एक हल्की सी बढ़िया सी हल्की सी रोस्टिंग लेयर आनी स्टार्ट हो गया, आप ये देखेंगे, और इसको हम अभी बढ़िया सा कोटिंग लेंगे और मेक श्योर कि आपका जो भी कुकिंग है वो एकदम लो पे हो। तो ये जो मैंने आपको रोस्टिंग हल्की सी दिखाई थी आलू जैसे हमने डाला था, बहुत ही बढ़िया क्लियर हो गया आई गेस, इस साइड भी है इस साइड भी। हम अब जो नॉर्मल पैन होते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में आपका मसाला चिपकता है, और यहाँ पे आप देखेंगे हर एक कॉर्नर से आपका मसाला भुन रहा है और पक रहा है। तो इससे यही इंडिकेशन होती है कि आपका कैसे वेल इंटेलिजेंटली आपका डिजाइन क्या हुआ है, लेट की आपकी जो हीट है वो आपकी हर जगह इवनली स्प्रेड होती है। तो अगर आप सूखी खाना चाहते हैं सब्जी को तो आप वैसे ही पसंद कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अब हमारा कुकिंग हो गई है, जैसे हम ज्यादा ओवर कुक नहीं करते खाने को, बिकॉज वी वांट कि जितने भी नेचुरल टेस्ट है सबके बेहतरीन वो रहे। ओवर कुक नहीं, खाना हमें पकाना चाहिए, गलाना नहीं चाहिए। तो एक ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है कि खाने में आप तभी सुधार ला पाएंगे कि कैसे न्यूट्रिशनल इंटैक्ट रखना है, तो खाने को आप जरूर पकाइए, गलाइए नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा पानी भी डालेंगे, बिकॉज यहाँ आलू रसीलेदार बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैंने क्रश कुछ कस्तूरी मेथी लिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे ऑलमोस्ट 1 छोटा चम्मच। थोड़ा धनिया डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए और बाकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, जिससे कि बहुत ही बढ़िया और हीट थोड़ी हम बढ़ा देंगे, जिससे कि ये आप देखें कैसा बढ़िया एकदम आलू रसीलेदार, वो भी जीरो ऑयल कुकिंग। आई गेस काफी लोगों को क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कैसे जीरो ऑयल कुकिंग में आलू जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्च है रहता है, विच इज हैज लॉट ऑफ स्टार्च, कैसे वो एकदम बढ़िया सा रोस्ट हो गया, वो भी एकदम लो हीट में बढ़िया सा कुक हो गया आलू। और मैंने आपको लेयरिंग, हर एक लेयरिंग आपको साइड बाय साइड सबको सबका दिखाया था, इवन टमाटर का भी, एंड जब आप आलू डालेंगे वो कैसे बढ़िया था एक भुना हुआ फ्लेवर ले आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक उबाला आएगा और इसको हम बंद करेंगे और फिर बढ़ेंगे अपनी दूसरी डिश के लिए, जो हमारी गुड़ की बनी हुई चावल की खीर हम बनाएंगे, जो हम बोलते हैं बाखीर। तो यहाँ पे एक्चुअली आप प्री कुक राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अनकुक राइस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कुक राइस पहले की पड़े हुए थे, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज एक शेफ की खासियत होती है कि वो कभी भी चीज वेस्ट नहीं करता। सो आई गेस वी शुड यूटिलाइज ऑल दिस थिंग, बिकॉज आपके भी घर पे काफी चावल बचते हैं,
तो उनको भी आप यूटिलाइज करके बहुत ही बढ़िया सी गुड़ बेस्ड आप एक बढ़िया सी डेजर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें बहुत ही बढ़िया वाला आ गया और कंसिस्टेंसी भी आप देखें बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी है। एंड आई मस्ट से कि आप जरूर क्वीन खरीदिए एंड डू ट्राई दिस एट होम एंड बिकॉज हेल्दी खाना आपके तभी बन पाएगा जब आपके पास क्वीन होगी बिकॉज आपका एल्यूमिनियम इज वेरी अनहेल्दी, नॉनस्टिक इज ऑल्सो वेरी अनहेल्दी बिकॉज टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से ये चीजें और एल्यूमिनियम की वजह से आपके ये अनहेल्दी बना देते हैं जो हमें नहीं पता चलता कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे हमारा केमिकल डेली हमारे खाने में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आलू रसीलेदार रेडी है एंड दैट इज ऑल्सो विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक। तो इसी को हम गार्निश करेंगे थोड़े धनिया के पत्ती से। आप ये देखेंगे कि कैसे वेल डिजाइंड ये पैन्स हैं। आप देखेंगे कोई एडिशनल लेयरिंग नहीं है, सारी इवन लेयरिंग है। अगर आप ये पैन के साथ अगर आप ढक्कन लगा के भी आप सेंटर डाइनिंग टेबल पे भी रखते हैं बहुत बढ़िया लगता है ये पैन। तो यहाँ पे हमारा आलू रसीलेदार बहुत ही रेडी आप देखेंगे ये। ओके सो नाउ वी स्टार्ट विद आवर सेकेंड डिश जो हमारी है गुड़ के चावल की खीर। तो यहाँ पे हम लेंगे सौते पैन। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑलमोस्ट 100 से 125 ग्राम गुड़ लिए है। और इसमें हम डालेंगे अराउंड 50 से 60 ml आपका 70 ml आपका थोड़ा पानी जिससे कि आपका गुड़ मेल्ट हो जाए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने पहली सी प्री कुक राइस लिए हुए हैं अराउंड 250 ग्राम ये है। तो 250 ग्राम आपका चावल जाएगा जो कुक राइस है और इसमें आपका जाएगा अराउंड 125 से आपका 120 ग्राम आपका गुड़। बिकॉज आजकल काफी लोग हो गए हैं स्वीट को काफी अवॉइड करना चाहते हैं, ज्यादा स्वीटन नहीं पसंद करते। बट अगर आप ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप 150 ग्राम तक आप स्वीट डाल सकते हैं बट दिस विल मेक यू वेरी बैलेंस क्योंकि इसमें हमारे किशमिश भी हम डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल रहे हैं। सो किशमिश का भी एक नेचुरल स्वीटनेस रहती है। सो दैट इज दी ऑब्जेक्टिव कि आप अपना चीनी हेल्थ में जितनी कम करें बहुत ही बढ़िया है। तो मीडियम ही से अभी रखेंगे इसलिए अगर पैन गर्म हो जाएगा तो इसको अभी कंट्रोल करेंगे। जैसे कि गुड़ मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे चावल को। चावल क्या करेगा स्टार्च चाइनीज हाई इन स्टार्च होता है तो इट विल एब्जॉर्ब ऑल द फ्लेवर्स, बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा चावल में। और फ्लेवरिंग के लिए इसमें आप इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ इलायची या गुड़ सिनेमन पाउडर का बहुत दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया जाता है। तो इसकी हमें कुछ चाशनी या कुछ वैसा बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इसको एक बार क्रश करके जब ये गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गुड़ में। यहाँ पे आप देखेंगे गुड़ काफी मेल्ट हो गया है। ओके तो जैसे ये गुड़ मेल्ट हो गया हीट को कंट्रोल करेंगे और इसमें डालेंगे चावल। चावल को हमें ऐसी कंसिस्टेंसी लेके आनी है कि ये पूरा इसको यूलियम मोस्ट ऑफ द हम लोग अनकवर्ड ही कुक करेंगे, ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। और जो प्रोसेस है इसका हमें ड्राई करना है एंड मोस्ट ऑफ द जूसेस आपका
एब्जॉर्ब करने की है चावल। तो अब इसी के साथ हम डालेंगे इलायची जो मैंने बारीक काट के रखी हुई है, पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है कि गुड़ और इलायची का फ्लेवर अभी मिक्स हो जाएगा तो फ्लेवरिंग काफी एक्सट्रैक्ट कर लेगी चावल। तो अभी मैंने कंटिन्यूस मीडियम हीट पे ही रखा हुआ है टेम्परेचर इसका। तो यहाँ पे आप चावल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा वाला चावल यूज किया है जिससे कि बहुत ही बढ़िया उनमें वो क्षमता रहती है कि काफी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं मोटा वाला चावल। आप बासमती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देखिए चावल में कैसा बढ़िया गोल्डन कलर आ गया एकदम। तो दिस विल ऑलमोस्ट टेक आपका ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगेगा, 15-10 मिनट, जिससे कि आपका कुकिंग चलती जा रही है जिससे मॉइस्चर जो है बहुत बढ़िया ड्राई अप होगा। एक जो कंसिस्टेंसी हल्की सी थिकन हो जाएगी इसमें। एंड अगर हम बाकी पैन के बारे में बताऊं, पैन जो हमारा क्वीन में जो आपके पूरे सेट जो आता है वो 3-5 पीस सेट का आता है। जैसे एक आपका स्टॉक पॉट आता है एंड सौते पैन आ गया, सौते पैन के साथ आपका फिर सॉस पैन है एंड इसके साथ आपको दो कॉमन आपके तीनों पैन के साथ दो लिड्स मिलती है। सो खासियत ये है आपको यूजली स्टील के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं बाजार में, बट क्या वो स्टील का जो प्रोडक्ट आपको मिलता है क्या उसमें जीरो कुकिंग पॉसिबल हो पाती है? विच इज आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली नो रहता है, बिकॉज आप उसमें जितना भी तेल डाले वो भी कम पड़ता है और चाहे जितना भी उसमें पानी डाले वो भी कम पड़ता है। सो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन जो है हमारी क्वीन का, बहुत ही बढ़िया 18x8 सर्जिकल स्टील यूज किया गया है जो आई गेस डॉक्टर्स काफी यूज करते हैं। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है इसमें, ये आप देखें काफी थिकन होने लग गया है ये। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल ऑलमोस्ट 1 चम्मच। ये बहुत ही बढ़िया रोजी फ्लेवर देगा ये। और अगर आप चाहते हैं केवड़ा एसेंस डालें तो आप 1 से 2 चम्मच केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, एक ऐसे क्या होता है जब आपका गुड़ एकदम जब मॉइस्चर उसमें आपका एवेपोरेट हो जाता है सो एक ग्लेसेस आनी स्टार्ट हो जाती है जो एक बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और कलर देता है इस गुड़ की बनी हुई खीर को। एंड आई गेस चीनी से बहुत अच्छा चीज है गुड़, अगर आप सप्लीमेंट अगर लेते हैं इसको आप अवॉइड करना चाहते चीनी को। ओके, जैसे कि आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट इतने लेवल पे आ गए, ऑलमोस्ट मॉइस्चर इसमें से 80% गायब हो गए। एंड आई मस्ट से जो खुशबू आ रही है इसमें से बहुत ही अल्टीमेट आ रही है एंड डू ट्राई एट होम। ओके, तो ये आप देखें कंसिस्टेंसी काफी हार्ड हो गई है, ये आप देखें काफी ग्लेसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट। ग्रेटेड कोकोनट यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 चम्मच डालूंगा, अगर आप थोड़ा और ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप और डाल सकते हैं।
कोकोनट अपना हल्का सा इस मोमेंट में ऑयल रिलीज करेगा, एक फ्लेवर बहुत बढ़िया सा बॉन्डिंग आ जाएगी। एंड देन जो हमारा लास्ट में जो प्रोसेस है, फिर दूध में इसको थोड़ा पकाएंगे। दिस गिव वेरी गुड ऑथेंटिक टेस्ट। ये आप देखें काफी सूख गया है और इसमें हम दूध इस्तेमाल करेंगे अराउंड 50-60 ml आपका दूध जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ध्रुव, आई गेस आपकी वीडियो हैंग हो गया है। यू कैन सो आई गेस कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है ध्रुव के एंड पे, बट उन्होंने आपके साथ पूरा एक रेसिपी शेयर कर दी है जहां पे वो लास्ट में सिर्फ दूध ऐड करके उसे बैलेंस आउट कर रहे थे एंड रेस्ट इज अप टू द मार्क। सो आई गेस आप सभी के यहाँ पर जितने भी सवाल हैं उन सभी का यहाँ पे आंसर आपको मिल गया हुआ है, किस टाइप की कुकिंग कैसे करनी है, कितना आपको समय यहाँ पे लगता है। सो मैं मैक्सिमम ये कहूँगा कि जब आप न्यूट्रिशनल कुकिंग की बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल कुकिंग में आपको उतना ही समय लगता है जो आप नॉन न्यूट्रिशनल कुकिंग अपने घरों में आज तक करते आए हैं। तो डिसीजन ये है कि जिन लोगों ने, जिन बायर्स ने, जिन नए कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है इन दिस ऑफर प्राइस, तो आप अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करें, स्टार्ट डूइंग कुकिंग, आप अपने खाना बनाना शुरू करें इसमें, क्योंकि जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आप अपने पॉइंट्स को और क्लियर कर पाएंगे। और ध्रुव हमारे साथ वापस से कनेक्ट हो चुके हैं। सो ध्रुव आप अपने यस जी, सो ऑलमोस्ट खीर हमारी बिल्कुल बन गई है। कलर देखेंगे कैसे बहुत ही बढ़िया कलर आया खीर का। और इसको आप ठंडा खाएं बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इसको अब हम ज्यादा इसको ड्राई नहीं करेंगे। तो आज बहुत ही बढ़िया हमने आज दो डिशेस बनाई हैं और इसको हम थोड़ा गार्निश करेंगे थोड़ा नारियल से एंड सम ड्राई फ्रूट्स। परफेक्ट। ये डिश हमारी रेडी है, इसको थोड़ा गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से एंड सम ग्रेटेड कोकोनट। जैसे कि आज हमने दो डिशेस बनाई है आज हमने, और इसको हम यहाँ रखेंगे। तो एक तो हमारा ये आलू रस्तेदार बनाया हमने और दूसरा ये हमारी गुड़ की बनी चावल की खीर। वाह ध्रुव, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। और आपने एक ऑथेंटिक डिश जो हम अपने घर पे बना सकते हैं उत्तर प्रदेश की, उसका बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपने दिया। और सही यूटिलाइजेशन कि किस तरीके से जो हमारे घर राइस हम
एक बार खाने के बाद उसको दोबारा कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ग्रेट डेमो. थैंक यू सो मच ध्रुव. थैंक यू सर. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन यहीं पर ही. और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने कमेंट्स हमें शेयर करें. एंड साथ ही साथ आज लास्ट मैं कह सकता हूँ सिर्फ 6 घंटे बचे हैं हैप्पीनेस ऑफर को खत्म होने में. आज के लिए सिर्फ हैप्पीनेस ऑफर दोबारा से शुरू हुआ था 12 बजे. तो मैं चाहता हूँ हैप्पीनेस ऑफर का बेस्ट बेनिफिट लें एंड अपना जो आपका गोल है एंड आपके कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे आप फुलफिल करें विद द हैप्पीनेस ऑफर. तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, आखिरी 6 घंटे बचे हैं सिर्फ हैप्पीनेस ऑफर के लिए. एमवे हैप्पीनेस ऑफर का बेस्ट बेनिफिट लें और उसे अपने अपनी फैमिली में ऐड करें. थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी ग्रेट मैसेजेस, जहां पे हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑसम रेसिपी ग्रेट. एंड विद दिस थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए. और हम फिर से आपसे जुड़ेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए इनिशिएटिव के साथ. आप हमारे साथ बने रहिए, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते रहिए और उन्हें भी हेल्दी लिविंग के बारे में बताते रहिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. और हम आपसे कल फिर जुड़ते हैं एक नए उत्तरांचल की डिश के लिए. और तब तक के लिए धन्यवाद.